दिया है, सरकार योगी जी के नेतृत्व में है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे हत्या इन लोगों ने किया है, इन लोग सलाखों के भीतर जाएंगे, इनका कोई जुगाड़ सोर्स नहीं लगेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, दीनदयाल नगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी का सफाया हो गया है। ये लोग बौखला गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और कार्यकर्ताओं पे जो इन्होंने हत्या किया है, ये हत्या का जवाब हम लोग बहुत जल्द इनको देंगे। मैडम, जो सूचना आ रही है, जो इनपुट आ रहा है, वो ये है कि बैनर को लेके हुआ भारतीय जनता पार्टी बैनर था, उसके बाद समाजवादी पार्टी का बैनर लगाने को लेकर हुआ। तो आप नहीं समझते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ज़्यादा बढ़ती जा रही है? जी हाँ, 11 तारीख को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में 100-125 हमारे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और कार्यकर्ता मेरे भी ऑफिस में आए थे। मैंने सीओ सदर को और इंस्पेक्टर अली नगर को मैंने सूचना दिया था। तो आज देखिए, लोकसभा के चुनाव में हम सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर यहाँ आक्रोश खबर लाठीचार्ज हुआ, सबों ने पत्थर मारा, हम लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी, हमारे बूथ के और नेताओं के साथ हाथापाई किया, हुआ था जिसको लेकर झंडा भारतीय जनता पार्टी का जलाया, इसके बारे में तहरीर भी दी गई थी और पुलिस ने इसमें समझौता भी कराया था। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि अलीनगर पुलिस ने पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण आज एक पक्ष के 19 वर्षीय विशाल को रॉड और डंडों से पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें कि आक्रोशित लोगों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। सूचना के बाद कई थानों को पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि ग्रामीण शव को सड़क पर रख कर बवाल कर रहे हैं। अलीनगर थाना क्षेत्र के सिकटियां का ये मामला है। मामला जब तुल पकड़ता हुआ दिख रहा था तो वहीं